बीटीसी राजकीय कन्या विद्यालय नूरपुर में सोमवार को शिक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद के अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में अध्यापकों ने स्कूली छात्रों के अभिभावकों से संवाद किया। कार्यक्रम की अधिक जानकारी देते हुए स्कूल प्रिंसिपल चंद्ररेखा शर्मा ने बताया कि कोरोना काल में बच्चे पढ़ाई में पीछे रह रहे हैं, जिसकी वजह से उनके माता पिता से बात करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए कोरोना काल में हर घर शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई करवाई गई, लेकिन फिर भी कई बच्चे पढ़ाई में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त विद्यांजलि और निपुण भारत की जानकारी भी अभिभावकों से साझा की गई। उन्होंने बताया कि छठी से लेकर आठवीं कक्षा के छात्रों के लिए वोकेशनल कोर्स शुरू किया जा रहे हैं, जिसकी जानकारी भी अभिभावकों को दी गई। उन्होंने बताया कि इस शिक्षा संवाद कार्यक्रम के जरिए अभिभावकों को उनके बच्चों की पूरी जानकारी रहती है और उनकी परफॉर्मेंस पर भी वो नज़र देखते रहते हैं। आज हमारे स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर द्वारा जो है वो तीसरा शिक्षा संवाद जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में निर्धारित किया गया था, जिसके तहत हमारे विद्यालय में भी सभी बच्चों को पिछले चार दिनों से अवेयर किया गया है कि वो अपने पेरेंट्स को विद्यालय में लेकर के आएँ, क्योंकि कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु सरकार द्वारा दिए जाते हैं जो कि हमने अभिभावकों के साथ डिस्कशन करना होता है, क्योंकि कोरोना के लंबे अरसे के बाद विद्यार्थी जो है वो स्कूल में अब आने लगे हैं और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो ज़्यादा कदा जो है बीमारी का बहाना लगा करके घर बैठ जाते हैं। तो इस ऐसी स्थिति में अगर पेरेंट्स से सीधी सीधी बात हो जाती है तो हमें स्थितियां क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक अध्यापक होने के नाते ये लगता है कि बच्चे बहानेबाज हो गए हैं, बच्चे झूठ बोलने लगे हैं और बच्चे जो है उस मुख्य धुरी से पीछे छूटने लगे हैं जिसमें वो होने चाहिए। तो ये धीरे धीरे अब प्रयत्न किया जाएगा शिक्षा संवाद के माध्यम से, और अभिभावकों को ये बताया जा रहा है कि हर घर पाठशाला जो कि कोरोना काल में शुरू हुई, पहले लॉकडाउन से स्टार्ट हुई थी, तो उसमें अभिभावकों का क्या रोल था, और कई अभिभावकों ने बहुत ही अच्छा रोल उसके अंदर अदा किया है। बहुत अच्छे बच्चे उन्होंने घर पे एक अध्यापक की भूमिका निभा करके अपने बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप की, उनको पढ़ने में लगाया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हमारे पास रह गए जो रीडिंग और राइटिंग में कमज़ोर पड़ गए हैं, जिन्हें मालूम ही नहीं है कि पढ़ा कैसे जाता है, पहचान कैसे की जाती है। तो उस प्रयास के लिए आज हमने चर्चा की है अभिभावकों के साथ। विद्यांजलि 2 प्रोग्राम सरकार का दिया गया है, उस विद्यांजलि की भी प्रोग्राम की हमने जानकारी दी है। निपुण भारत में क्या क्या बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ होनी है, बच्चों को किस तरह से मार्गदर्शन दिया जाना है, उसके ऊपर भी चर्चा की गई है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें द्वितीय शिक्षा संवाद में भी इसके ऊपर श्री भारतेंदु चौधरी प्रवक्ता जो है हमारे केमिस्ट्री के, उन्होंने विस्तार से बात की थी। तो इस शिक्षा संवाद में भी नई शिक्षा नीति पर फिर से चर्चा की गई है, क्योंकि इसमें अपनी जो मातृभाषा है उसके छोड़ के जो हमारी जो एक लोकल डायलेक्ट है, क्षेत्रीय भाषा जो है, उसमें भी बच्चों को समझाए जाने का एक रखा गया है, विकल्प रखा गया है। तो छठी से आठवीं क्लास तक वोकेशनल एजुकेशन जो है, हर बच्चा स्किल्ड होगा, ये हमारे भारत सरकार की, हिमाचल सरकार की एक बीच में एक प्राथमिकता रखी गई है कि जो बच्चे नाइन्थ में जाकर के वोकेशनल पढ़ते थे, अब वो छठी क्लास से वोकेशनल पढ़ेंगे, और जो भी ट्रेड वो इंटरेस्ट रखते हैं, जिस भी वोकेशनल में वो इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे हमारे विद्यालय में हेल्थ केयर और टूरिज्म चलता है, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जो है क्रियोसिटी बना के रखते हैं कि जब हम नाइन्थ में होंगे तो हम भी ये पढ़ेंगे। तो अब छठी क्लास से उनको ये ऑप्शन रहेगी, और हमारे विद्यालय को प्री वोकेशनल के लिए चुना गया था, तो उसमें हमने छठी से लेकर के आठवीं तक के बच्चे, जबकि एक महीने की छुट्टी पड़ गई, और अब जो है उन बच्चों के लिए हमने सेमिनार लगवाने हैं, लेक्चर दिलवाने हैं, तो वो भी कार्यक्रम की आज जानकारी दी गई है। इसके साथ साथ जितने भी बिंदु जो हैं हमें राज्य परियोजना अधिकारी द्वारा जिला के माध्यम से हमारे तक पहुंचे हैं, तो आज अभिभावकों से शेयर किए गए हैं। बच्चों की उपस्थिति के बारे में विशेष चर्चा की गई है, और बच्चों की जो पढ़ाई है, जैसे FA2 हो गया छठी से आठवीं तक का, और हमारा टर्म 1 का रिजल्ट हो चुका है, उसकी जानकारी अभिभावकों से साझा की गई है, और उनको ये भी बताया गया है कि रिजल्ट किस तरह से निकला है। इसमें अभी असेसमेंट और प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो टर्म 2 के बाद जुड़ेंगे, और जो बच्चों में कमी रह गई है, जिन बच्चे कहीं ना कहीं कमतर रह गए फर्स्ट टर्म के अंदर, तो दूसरे टर्म के लिए उनको अच्छे से अभ्यास करवाने का, अच्छे से पढ़ाई कराने का माता पिता से आश्वासन लिया गया कि वो भी सहयोग करें, हम भी करें, तो दोनों जब मिलकर के, दोनों लोग से मिलकर के सहयोग करेंगे तो उनका बच्चा निखर करके सामने आएगा, एक बढ़िया रिजल्ट देगा। इस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता जो रह रही है हमारी, कि बच्चों को किस तरह से हम लिखने में पारंगत कर सके ताकि वो पेपर अच्छे से लिखें।
क्योंकि हमारे विद्यालय में जो छोटी क्लास के बच्चे लंबे समय तक घर रहे हैं, ज्यादा तौर पर वही घर रहे हैं, तो वो लिखना और पढ़ने में कमजोर पड़ गए हैं। वो हर टीचर द्वारा मेरे साथ डिस्कशन की जाती है और उनको हम बताते हैं कि किस तरह से आगे बढ़ा करके लेके चलें। तो अभिभावकों से हम ये एक आश्वासन आज हमने लिया है कि वो अपने बच्चे को रेगुलर स्कूल भेजेंगे जब तक पेपर हो रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए बीच में से कि वो छुट्टी करवा लें अपने बच्चे को। अगर उसमें बच्चे में कोविड होता है या सर्दी जुकाम खांसी है तो ऐसी स्थिति में अपने बच्चे को घर रखें। और हमारे स्टाफ में ये पूरी की पूरी जानकारी बच्चों को बांटी जाती है कि 2 गज की दूरी में बच्चों को बैठाएं, उनको मास्क पहना करके रखें, सैनिटाइजर करें। और विद्यालय को सैनिटाइज करवाने की जिम्मेदारी हमने क्लास 4 को दी हुई है, NSS वॉलंटियर्स को दी हुई है। वो समय समय पर अपना दायित्व पूरा करते हैं। और जहां कहीं कभी सोप खत्म हो जाता है तो विद्यार्थी खुद ही आ जाते हैं कि मैडम जी आज इस टैप के पास सोप नहीं है तो यहां पे रखवा दे, तो वो हमसे लेकर के जाते हैं। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था तो पूरी कर रखी है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के बीच बीच में जो बच्चे का भविष्य निखरना है उसकी पढ़ाई के माध्यम से, उसके अध्ययन के माध्यम से हम विशेष जोर उस पर भी दे रहे हैं। टेस्ट हो रहे हैं और जो बच्चे एबसेंट रहे हैं, टेस्टों में नहीं आ रहे हैं, जिसे टेस्ट रखते हैं तो टीचर दुखी है इस बात से कि बच्चा टेस्ट वाले दिन स्कूल नहीं आता। तो अभिभावकों से उन बच्चों के बारे में भी आज चर्चा की गई है। कल से यानी 1 मार्च से, कल छुट्टी है, 2 मार्च से मध्याह्न भोजन की व्यवस्था फिर से शुरू हो रही है। लंबे अरसे के बाद 6ठी से 8ठी वालों को मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। उसके लिए सारी व्यवस्था कर दी गई है, किचन साफ सुथरा करवा दिया गया है, सारे बर्तन जो है अपनी निगरानी में मैंने साफ करवाए हैं, तो जितना भी फ्यूल वगैरह है उसका इंतजाम हो गया है। और परसों जब पहली बार भोजन पकेगा तो पूरी वो जो MDM वर्कर्स हैं उनके भी स्वास्थ्य की पूरी रिपोर्ट हमने ले ली है कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनको हिदायत दे दी गई है कि जिस दिन वो स्वस्थ नहीं हो तो वो विद्यालय में ना आए, क्योंकि बच्चे के भोजन से जुड़ी हुई ये काम है, इसको वो सही तरीके से करें। और परसों जब भोजन कराया जाएगा तो अलग अलग क्लास को अलग अलग समय में भोजन कराया जाएगा, पूरे डिस्टेंस के साथ, पूरी दूरी के साथ और पूरी स्वच्छता के साथ। तो ये पूरी जानकारी जो है आज हमने इस तृतीय शिक्षा संवाद के अंदर अभिभावकों से साझा कर दी है। और लगातार मॉनिटरिंग जो है हमारा पूरा स्टाफ करता रहता है और कोरोना के प्रति उनको सजग भी करता रहता है। धन्यवाद। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।